ठीक है, इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ेंगे और एंड तक पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो चीजें पहले काल्पनिक थी, इमेजिनरी थी, उन्हें हमने चेंज कर दिया है और उसकी जगह हम रियल लिव, क्या रियल है उसके बारे में क्या हुआ। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पहले हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट थे वो मॉरल थे, मॉरल थे, ठीक है, और काल्पनिक स्टोरीज चलती थी। जब रोमन अम्पायर डिक्लाइन हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद जब दोबारा लोगों ने उसको खोजा और कोशिश की कि उसी तरह से हम दोबारा एक रोमन साम्राज्य के प्रति जो रेस्पेक्ट थी और लोगों की, क्योंकि एक बहुत बड़ा अम्पायर था ये, ठीक है ना, तो उसके लिए उनके मन में जो रेस्पेक्ट थी वो ही कल्चर दोबारा डेवलप करना चाहते थे, लेकिन कुछ चेंजेस करके क्या उसमें रियलिज्म डालकर, यथार्थवाद को डालकर। यही कारण था कि नए नए नगर बने, नई यूनिवर्सिटीज बनी, जिसमें आपको मैंने बताया था पादुआ जो इटली का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था वो था, ठीक है। तो ठीक है, तो पादुआ जो विश्वविद्यालय था वो बहुत बड़ा था, वहां पे जो सब्जेक्ट थे वो सारे चेंज किए गए। वहां पे कुछ सब्जेक्ट थे जो थे वो कैसे कर दिए गए, ह्यूमैनिटीज लगा दी गई जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक, लॉ पढ़ सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि उस टाइम की जरूरतें थी। उन्होंने कहा वही सब चीज नहीं चलेंगी, धार्मिक शिक्षा ही नहीं चलेंगी, हमें जानना है इतिहास में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, ठीक है। और जब डेवलपमेंट हुआ सिटीज का तो हमें जरूरत पड़ी वकीलों की, तो वकीलों की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें उनके लिए कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वकील मिल सके। इस तरीके से लॉ की पढ़ाई भी चली और सब्जेक्ट चेंज हुए, उसमें आपको आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, आपका लॉ, ये सारा चीजें पढ़ाई जाने लगी। तो हमें एक बात अपने दिमाग में डाल लेनी है, ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है, किसके साथ जोड़ रहा है, रियलिज्म के बारे में। खास तौर से ये हमें जो रोमन अंपायर के बाद जो डार्क एज आ गया था उसके बाद का जो है मॉडर्न एज उसकी स्टोरी ये बता रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो आर्टिस्ट हुए, अभी तक हमने एजुकेशन पढ़ा था, एजुकेशन में चेंज आया था, उसमें भी यथार्थवाद यानी रियलिज्म डाला गया, शिक्षाएं बड़ी, साइंस पर ज्यादा फोकस किया गया। उन्होंने कहा कोई भी चीज है उसे पहले जांचो, परखो, एक्सपेरिमेंट करो, ये सारी चीजें इस काल में, इस पीरियड में आई। इसके बाद आया आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। तो जब हम लोगों ने कुछ जो इटली के लोग थे उन्होंने सोचा जो रोमन अंपायर है उसको, उसकी खोजबीन की, उसके खंडरों को ढूंढा, उसकी जो चीजें थी उनको दोबारा, जो पेंटिंग्स है ना, बिल्डिंग्स है, उनके लिए खोजबीन की गई। वो उससे इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने उस तरीके के चित्र बनाए, ठीक। उसमें जो इटली जो उस रोमन अंपायर था उस टाइम में जो चित्र बने थे वो खास तौर से ठीक है, खास तौर से जो चित्र थे वो ह्यूमन बॉडीज को लेकर बनाए गए थे। आपने कई बार देखा होगा जो पिक्चर्स है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पिक्चर्स हैं, ठीक है ना, इस तरीके की पिक्चर्स ज्यादा बनाई गई थी ह्यूमन बॉडीज को लेकर। और वो इतनी सुंदर पिक्चर होती थी, उसमें ना ह्यूमन बॉडीज का पूरी तरीके से जैसे वेन्स क्या है वो भी तक दिखाया जाता था, एकदम नेचुरल लगती थी। इस चीज के लिए जो इस काल के जो आर्टिस्ट थे वो इतना प्रभावित हुए, उन्होंने भी उसी तरीके के चित्र बनाने शुरू कर दिया और बहुत पॉपुलर हुए वो चित्र। साथ में आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे रियलिज्म में कि आप जब हम रियल की बात कर रहे हैं, कलाकारों के यथार्थ की बात कर रहे हैं,
तो इन्होंने वास्तुकला में और चित्रकारी में यथार्थवाद यानी रियलिज्म को एंटर किया, प्रवेश किया, ताकि जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी चित्र है, वो नेचुरल लगे। ऐसे नहीं कि चार हाथ वाले बना दिए, छह मुंह वाले चित्र बना दिए, या घोड़ा आधा वो, ये तो सब इमेजिनरी है। लेकिन इस टाइम में जो चित्र बने वो रियल, जो है वास्तव में, वैसे चित्र बनाए जाने लगे। इसी में आप देखोगे कलाकारों ने हूबहू बिल्कुल जैसे मानव आकृति होती है, हमारी बॉडी होती है, उस तरीके से ही चित्र बनाए गए। और इसलिए क्या हुआ कि जो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि मानव शरीर की रचना, फॉर्मेशन, संरचना क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें है, किडनी है, क्या है, इन सब चीजों को जानने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, छेड़फाड़ बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, जो आप कह सकते हो सर्जरी करना शुरू कर दिया। इसमें आप एक कलाकार का नाम देखेंगे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, आप वैज्ञानिकों की सहायता से नर कंकालों का अध्ययन होने लगा, स्केलेटन का, देखने में सुंदर लगते हैं स्केलेटन, अगर उनका चित्र बनाया जाए, बोलो। लेकिन इस काल में बनाए गए, उनकी स्टडी होने लगी कि कितनी बोन्स है, क्या है, कितनी चीजें हैं, तो ये सब किस चीज से जुड़ गया, रियल चीजों से जुड़ गया, जो है रियल प्रेजेंट है, हमारी इतनी बोन्स है, हमारे इतने मसल्स है, इतनी लंबी हमारी बैकबोन है, इसमें इतने डिवीजन है, ये सारी स्टडी भी इस काल में होने लगी। जो आर्टिस्ट थे वो भी उस तरीके की पेंटिंग बनाने लगे जो पूरे रियल लगते थे। इसी तरीके से आप एक और देखेंगे, पादुआ विश्वविद्यालय, जो पादुआ यूनिवर्सिटी थी, कहाँ थी, इटली में, कहाँ थी, बहुत फेमस थी, इसमें ह्यूमैनिटीज और ये सारी चीजें, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदिक और आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के जो एक टीचर थे, उन्होंने सबसे पहले मानव शरीर का छेड़फाड़ यानी ऑपरेशन करके, सर्जरी करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या है, शरीर क्रिया कैसी है, किस तरीके से अंदर की संरचना है, किडनी है, हार्ट है, क्या है। तो सबसे पहले जो 1514 में से लेकर 64 में पादुआ विश्वविद्यालय में जो आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे, टीचर थे, उन्होंने सबसे पहले इसका, जो बेल्जियम के थे और इनका नाम था आंड्रियस, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये बेल्जियम के प्रोफेसर थे और ये पादुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, इनका नाम था आंड्रियस वेसेलियस, आंड्रियस वेसेलियस। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का चीरफाड़, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, डिसेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, चीरफाड़ को डिसेक्ट, ठीक, सबसे पहले ह्यूमन डिसेक्ट किसने किया था, आंड्रियस वेसेलियस, ये बेल्जियम के थे मूल निवासी, लेकिन पादुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, इन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा, मानव की ह्यूमन बॉडी को किया, डिसेक्ट किया और उसके बाद में जाना कि कैसी ये रचना है। तो हमें ये मालूम पड़ा कि इस काल में जो आर्टिस्ट थे उसी तरीके की थे, बनाई गई डायग्राम्स बनाई गए, ये सारी चीजें हुई। एक तरीके से इस काल से जो लोग थे वो रियलिज्म में जुड़ते चले गए। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। जो इस काल में जो बिल्डिंग्स बनी है, ठीक है, वो भी काफी हद तक रोमन बिल्डिंग से ही इंस्पायर होकर बनाई गई है, ठीक है। रोम नगर को हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप में पुनर्जीवित हो पटा,
जो 15th सेंचुरी आई क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर थे रोमन कल्चर से, तो दोबारा वो कल्चर डेवलप हुआ। आर्किटेक्चर में भी हमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो बिल्डिंगें बनाई गई वो उससे प्रभावित होकर बनाई गई, जो बिल्डिंग्स की छतों पर पेंटिंग किए गई वो भी पूरे रोमन कल्चर को लेकर ही उससे इंस्पायर होकर बनाई गई। ठीक है, आप खास तौर से जो रोमन चर्च थे, चर्च है उनकी जो बिल्डिंग्स है उनके ऊपर जो डिजाइने हैं, जो उनका गुब्बद वगैरह है बनाना है, वो सारा इंस्पायर किया हो रहा था कहां से, रोमन कल्चर से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने बताया है इस काल में कुछ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत कुशल कारीगर थे, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे, जिनमें खास तौर से आपको एंजेलो बुआनारोती, एंजेलो बुआनारोती है जिन्होंने पोप किसे के सिस्टीन चैंपल की भीतर की छत पर लेप चित्र यानी ऑयल पेंटिंग कर रखी है। ठीक है, वो किससे इंस्पायर थे, रोमन कल्चर से इंस्पायर थे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पहली मुद्रित पुस्तक। ठीक, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इटली में बहुत सारा कुछ लिखा गया, लेकिन सब कुछ किससे लिखा गया, हाथ से। जब हाथ से लिखा जाता है, आपके टेंथ में पढ़ा होगा, तो वो इतना कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, क्योंकि हाथ में इतने सारे ग्रंथ हाथ से नहीं लिखे जा सकते। यही कारण था बाइबल पहले स्टार्टिंग में कुछ ही लोग पढ़ पाते थे चर्च के, और वो जो मन में आता था वो बताते थे। ठीक है, इटली में भी ऐसे ही था, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन ग्रंथों को हर जगह नहीं फैलाया जा सका। क्यों नहीं फैलाया जा सका, क्योंकि हैंड रिटन थे, है ना। तो चाइनीज थे ये, जो मंगोल थे, मंगोलियन आप पढ़, आपने आपका ये चैप्टर कट गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि ये आगे जाकर नोमेडिक कल्चर जो है ना, नोमेडिक चैप्टर वो आपका कट गया है, लेकिन थोड़ा एक बार उसको रीड कर लेना, क्योंकि उससे आपको आगे जाके 12th में भी हेल्प मिलेगी। तो जो मंगोल थे वो दूसरे देशों में जाते थे, और वहां से उन्होंने एक तकनीक सीखी प्रिंटिंग की। तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो गुटेनबर्ग, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। अब ये प्रिंटिंग मशीन बनी तो इससे क्या फायदा हुआ, जो बुक्स थी वो बहुत ज्यादा छपने लगी, बाइबल भी छपने लगी, जो मंगोल थे। और ये कला, ये जो प्रिंटिंग की कला है, ये कहां से आई, चीनियों से। ये जो मंगोल थे, चीनी थे, उनके पास ये तकनीक थी, उससे सीखा किसने, यहाँ के इटली के लोगों ने सीखा। और खास तौर से जो गुटेनबर्ग था, उसने एक प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया। उस प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन से क्या हुआ, जो हाथ से बुक्स लिखी जाती थी वो जल्दी जल्दी लिखी जाने लगी, प्रिंट होने लगी। तो सबसे पहले बाइबल ही प्रिंट की गई, और बाइबल प्रिंट करके लोगों में बटने लगी। अब जब वो बुक्स बटने लगी, अब आम लोगों के पास भी आई, अब जब ये बुक मेरे पास ही है तो मैं जो चाहे पढ़ा दूंगी, आपको क्या मालूम मैं क्या पढ़ा रही हूं। लेकिन अब ये बुक आप सबके पास है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो नहीं मैडम ये चीज तो नहीं है आप जो पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम भी तो पढ़ रहे। तो इस काल में क्या हुआ, जब प्रिंटिंग मशीन आ गई, गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन कर दिया प्रिंटिंग मशीन का, तो बुक्स छपने लगी, बाइबल छपने लगी, लोगों के पास पहुंचने लगी। अब क्या हुआ, लोग उसे पढ़ने लगे, और क्या करने लगे, क्वेश्चन मार्क उठाने लगे। जो पहले कुछ भी कह दिया जाता था, आप बोले नहीं ये चीज तो नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, अब तो बुक्स बहुत सस्ती हो गई है। इससे शिक्षा में, एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ, लोगों के सोचने में डेवलपमेंट हुआ। अब आपका जैसे आगे एक टॉपिक है कि वाद विवाद, डिबेट होने लगा रिलीजन पर,
लोग क्वेश्चन उठाने लगे, पूछने लगे कि आप तो ये कहते हो लेकिन वो बाइबल तो ये कह रही है। अरे तो ये सारी चीजें अब वो लोग किससे जुड़ने लगे, रियलिज्म में, अब वो किसी की बातों में नहीं आने लगे। तो इस तरीके से पहले जो मुद्रित या प्रिंटिंग मशीन बुक्स थी, उन बुक्स ने लोगों को रियलिज्म के तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके मनुष्य की एक नई कल्पना। हम नए मनुष्य के बारे में नहीं सोचने लगे, पहले नैतिकता पे बहुत ज्यादा जोर देने दिया जाने लगा था, मॉरल ड्यूटीज पर, मॉरल वैल्यूज पर। लेकिन इस काल में आकर कुछ लोगों ने कहा नहीं, जरूरी नहीं कि हर चीज मॉरल ही हो। अब हमारे अंदर लालच भी है ना, लालच भी है, उन सब चीजों को भी दिखाया जाने लगा, उनको भी सही ठहराया जाने लगा। जैसे संपत्ति का अधिग्रहण, यानी किसी की संपत्ति ले लेना, अपनी संपत्ति बढ़ाना, इसको भी जायज लीगल बताया जाने लगा। उन्होंने कहा इससे कोई मॉरल वैल्यू कम नहीं होती, ये हमारी आवश्यकता, हमारी नीड है कि हम अपनी संपत्ति जोड़ें। ठीक है, इस तरीके से लोगों के बारे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में आने लगा, ये चीज गलत है। हम बोलते सच बोलना बहुत सही है, लेकिन कभी कभी हम बोलते ना, कभी कभी झूठ भी बोलना सही है अगर किसी की जान बच रही है, कह देते ना, तो ब्रैकेट में हम क्या लगा देते, जान बच रही है। अगर 10 लोगों का फायदा हो रहा है तो झूठ बोल दो, कोई बात नहीं, है ना। जबकि तो मॉरल क्या बोलता है, सच ही बोलो, किसी भी परिस्थिति में सच बोलो, है ना। तो एक जो मानव के बारे में जो उनके विचार है उनको लेकर एक नई थॉट कह सकते हो सामने आने लगे इस पीरियड में। ठीक है, अलग अलग बातें सोची जाने लगी। मानवतावाद में ये भी कहा जाने लगा, अगर हम दौलत की होड़ करते हैं, यानी रेस, है ना, रेस करते हैं, तो वो भी सही है, करिए ना, आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप निराश हो जाए, है ना, हम कहते हैं कि भाई मास्क लाना चाहिए, तो आप कहोगे तो अधिक से अधिक मास्क लाने के इसको लालच हो गया, यही कहोगे नैतिक वैल्यू। लेकिन अधिक मास्क लाने के कारण ही तो आप मेहनत करेंगे, उन्होंने क्या उसके पीछे तर्क दिया, अरे जब हम दौलत जोड़ने की कोशिश करेंगे तभी तो हम ज्यादा वर्क करेंगे। तो एक नई थ्योरी चलने लगी कि वर्क कीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक नई थ्योरी आने लगी। फिर आता है हमारा महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए इस काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महिलाओं का परिवर्तन तो बहुत बाद में हुआ है बच्चों, है ना। हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि महिलाएं जो थी वो कंटिन्यू अपने मूवमेंट चला रही थी अपने राइट्स के लिए, है ना। तो इसी तरीके से इस काल में भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में भी कोई चेंज नहीं आया, वो वैसी की ही वैसी थी। ठीक है, वो वैसी ही थी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, वेटिंग में, वेटिंग में कौन हो सकता है, मैंने तो सबके लिए कर दिया था। इतना कुछ चेंजेस हुआ, इतनी सारी बातें हुई, हमने हर चीज में यथार्थवाद देखा, हमने वैज्ञानिक पॉइंट्स देखे, ठीक, लेकिन महिलाओं के आकांक्षाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस साल में भी, इस पीरियड में भी पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया गया, उन्हें ही ज्यादा अधिकार दिए गए। ये महिलाएं चाहे कितने भी पैसे वाले दहेज लेके आती थी और उनके दहेज को उनके हस्बैंड, उनके पति
यूज कर लेते थे, लेकिन इन बेचारियों को यह अधिकार नहीं होता था कि वो क्वेश्चन कर पाती कि ये पैसा यूज किया, ये बिजनेस में लगाया, तो मुझे भी बताइए कि बिजनेस में क्या हो रहा है। तो एक तरीके से महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, उनके लिए ना शिक्षाओं के लिए दरवाजे खुले, ठीक है, ऐसा कोई उनसे ये नहीं कहा गया कि आपको शिक्षा, जैसे आज कहते हैं ना लड़की बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही उन्हें राजनीति में कोई पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया गया, ना संपत्ति पे कोई अधिकार दिया गया, और सारा अधिकार पुरुषों को ही दिया गया। घर में उसी की चलती थी, घर में उसको ही प्रधान माना जाता था, जो वारिस बनता था वो पुत्री बनता था, वही सारी चीजें थी लेडीज यानी औरतों के, वुमेन्स के उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ औरतें थी जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस काल में, जैसे आपकी कासांद्रा, ठीक, नाम याद रखेंगे, एक एक नाम नंबर के मार्क्स आते हैं, ठीक है। वेनिस की निवासी थी कासांद्रा फैदले, ठीक। और नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि माना कि शिक्षा जो है वो औरतों को कोई इनाम नहीं देती, माना कि शिक्षा औरतों को सम्मान नहीं देती, रेस्पेक्ट नहीं देती, कोई प्राइज नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि शिक्षा है क्या मिल रहा है, हम कह सकते हैं सारा बेनिफिट तो लड़कों को मिल रहा है उस काल में, सब कुछ उनको मिल रहा है, लेकिन औरतों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप एजुकेशन लीजिए, आप शिक्षित होइए, ये मत सोचो कि एजुकेशन से शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा या शिक्षा पर कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि शिक्षा आपको पुरस्कार देगी या शिक्षा आपको सम्मान देगी, तब भी आप अपना अधिकार समझकर शिक्षा जरूर ग्रहण करें। इसी प्रकार से एक और महिला थी इसाबेल बेला, ये वेनिस की थी, ठीक है, ये कई बार आता है, एक नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है, इसाबेल बेला, ठीक है। हाँ, ये बहुत बड़ी विद्वान थी, इन्हें सबसे बड़ी बात है उस काल में जब औरतों को कोई महत्व नहीं था, उस पीरियड में भी इनको जो पादुआ यूनिवर्सिटी थी, जो बहुत फेमस थी इटली की, वहां पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता था, इनको बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि उस काल में महिलाओं ने शिक्षा नहीं ली है, लेकिन वो स्थिति नहीं थी जो आज है। तो महिलाओं की स्थिति उस काल में भी ऐसी ही थी, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम।